तो चलो प्यारे बच्चों, इस वाले सवाल को देखो। ये कैसा सवाल है कि ए स्टूडेंट मेक 100 ऑब्जर्वेशन इन एन एक्सपेरिमेंट, द सेकेंड टाइम ही टेक्स 500 ऑब्जर्वेशन इन सेम एक्सपेरिमेंट, तो एरर क्या होगा? देखो, जब आप किसी कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, अगर कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हो तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ज़्यादा लोगे, ठीक है, जैसे टाइम पीरियड इक्वल टू 2 पाई L/G, ठीक है ना, अगर सिंपल पेंडुलम है उसका टाइम पीरियड मेजरमेंट कर रहे हो, और अगर टाइम पीरियड मेजरमेंट कर रहे हो तो ऑब्जर्वेशन ज़्यादा लोगे, ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्जर्वेशन लोगे तो एरर घटेगा यार, ठीक है। तो अगर इसमें लॉजिक ये है कि 5 टाइम्स एरर बढ़ जाएगा, बढ़ेगा तो बिल्कुल नहीं, चेंज तो बिल्कुल नहीं रहेगा, नॉन ऑफ दिस, तो 1/5 टाइम्स घट जाएगा, ठीक है। इसमें लॉजिक है, इफ नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इंक्रीज करोगे, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इंक्रीज करोगे एन टाइम्स, देन पॉसिबिलिटी ऑफ एरर डिक्रीज 1/N टाइम्स, ठीक ना, तो 1/M टाइम्स एरर कम हो जाता है, दैट्स वाई द बी ऑप्शन सही है। और सिंपल सी बात है यार, ज़्यादा बार एक्सपेरिमेंट करोगे तो एरर आने के चांस कम होंगे।